झारखंड उच्च न्यायालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में दायर याचिका में न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने जेपीएससी को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 31 जुलाई तक इंटरव्यू का रिजल्ट हर हाल में जारी कर रिजल्ट जारी नहीं होने से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आज सरस्वती गगराई के द्वारा दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने जेपीएससी को कहा है कि 31 जुलाई तक इंटरव्यू का रिजल्ट जारी करें, इससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है और उनका समय बर्बाद हो रहा है। मौखिक टिप्पणी करते हुए आज माननीय अदालत ने जेपीएससी को निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक रिजल्ट पब्लिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।